स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ चैनल केडी द मैट्रिकर। आज अपन बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने जो वेबसाइट पर पेपर दिया हुआ है उसके सेक्शन ए के दो इम्पोर्टेंट वीडियो में आपको पहले दे चुका हूँ, जिसमें सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन को मैंने पहले वीडियो में बनाया था, जो कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन थे। उसके बाद सेक्शन ए का पार्ट टू था स्टूडेंट, उसमें भी एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 9-10 से रिलेटेड प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, वहां जाके आप वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और भी इस चैनल पे मैंने लगभग 300 वीडियो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड बनाई हैं, तो जो भी टॉपिक आपके रिलेटेड हो, SSC, बैंक, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, IIT, सभी के टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट है, तो आप सभी को कंटिन्यूसली देख लें। तो चलिए खैर अपन इस टॉपिक की बात करते हैं। ये वीडियो स्टूडेंट्स स्पेशली 10th के स्टूडेंट के लिए है जो राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड हो। क्लियर? तो चलिए आज हम बात करेंगे इसके सेक्शन बी में। सेक्शन बी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें 12 से लेके और 19 तक 8 क्वेश्चन आएंगे, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा। और इसमें ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि 2-2 नंबर का तो होगा, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इसमें अथवा में नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नहीं दिया होगा। आपको जो क्वेश्चन दिया हो वो आपको एज इट इज करना है। क्लियर? जो ऑप्शन की शुरुआत है वो सेक्शन सी से होगी, यानी 20वें क्वेश्चन नंबर से होगी। क्लियर? तो आज अपन बात करेंगे 8 इंपोर्टेंट प्रश्नों की। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीडियो बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये बोर्ड द्वारा दिया गया क्वेश्चन पेपर है, तो इससे अपन एक आइडिया लगा लेंगे कि हाँ भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने, यानी ब्लूप्रिंट क्या है। चलिए देखते हैं तो क्या पिक्चर है। सबसे पहले वैदिक मैथ का ही ये क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें कि द्वंद योग विधि से 7225 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए द्वंद योग विधि में करते क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो संख्या होती है उसको 3 भागों में लिख लेते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। अब 7225 है, इसमें कितने जोड़े बन रहे हैं आपके? 2 जोड़े बन रहे हैं, तो एक जोड़ा तो यहाँ पर लिखते हैं और एक जोड़ा इस तरह तीसरे कॉलम में लिखते हैं। कितने कॉलम है? 1, 2, 3। क्लियर? एक जोड़ा यहाँ पर, बाकी इधर। ये ध्यान रहेगा 3 जोड़े हो तो आपका 1 इधर आएगा, बाकी 2 उधर आएंगे, यानी लास्ट में जितने भी होंगे वो सब उधर रहनी है। क्लियर? इस तरह से अब आपका जो है भागफल और शेषफल देखते हैं क्या क्या आएगा और वर्गमूल क्या निकलेगा। चलिए तो आप ये देखो स्टूडेंट के 72 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। पूर्ण वर्ग संख्याएं आपको पता है 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64। तो आप देख रहे हैं 64 इससे छोटी पूर्ण वर्ग है। अगर मैं 64 के आगे जाऊंगा फिर तो 81 आएगी, जो कि 9 का वर्ग है, तो वो तो आगे निकल जाएगा। तो अपन किसकी बात करेंगे? 64 की। और 64 किसका वर्ग है स्टूडेंट? 64 वर्ग है हमारा किसका? 8 का। क्लियर? तो 64 किसका वर्ग है? 8 का। तो चलिए ठीक है, यहां मैं क्या करूंगा, अब यहां मैंने लिख लिया ये 8। क्लियर? और आप देख रहे हो 72 में से जब अपन 64 को घटा रहे हैं स्टूडेंट, तो यहां बच रहा है 8। क्लियर? वो यहां लिख लेते हैं और यहां पर इस संख्या का करते हैं दुगना, तो 8 का दुगना हो गया 16। क्लियर? इस तरह दोबारा समझ लो, 7225 को मैंने 2 जोड़े बनाए थे, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा। अब 72 से छोटी वर्ग संख्या कौन सी है? 8 का वर्ग 64 होता है, तो 8 ये रही, 64 ये रही। 72 में से जब आप 64 घटा रहे हो तो कितना आ रहा है? 8। अब करना स्टूडेंट्स ये है, यहां अपन एक नया भाज्य निकालेंगे, तो नया भाज्य आपका 8 पर 2 यानी हो रहा है 82। क्लियर? 8 पर 2 82। इस 82 में स्टूडेंट भाग देना अपने को इस संख्या का, ये रही 16। तो 16 का जब आप भाग दोगे तो 16 पंजे 80 होते, 16 पंजे 80 का मतलब हुआ कि भागफल तो आया 5 और यहां शेषफल आया आपका कितना? 2। भाई 16 पंजे 80 करेंगे तो भागफल तो कितना हो जाएगा? 5 और शेषफल 2 आएगा। अब जो ये भागफल आया है स्टूडेंट, इसको तो यहां लिख देते हैं, और जो शेषफल 2 आया है उसको अगले इधर ले जाएंगे। तो अब आपका जो नया भाज्य हुआ वो हुआ 2 पर 5 यानी 25। लेकिन ये ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि नए भाज्य में भाग जो है सिर्फ पहली बार में ही देना है,
यहां पर अब दोबारा में क्या होता है कि एक संशोधित भाज्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? संशोधित भाज्य। क्लियर? अब देखो संशोधित भाज्य कैसे निकालते हैं। संशोधित भाज्य में कर रहेंगे क्या जी, आप देखो नया भाज्य कितना है 25। क्लियर? 25 है। अब आपको करना यह है कि इसमें से ये जो संख्या आई थी उसका वर्ग घटाना है, वर्ग घटाना है। तो 25 में से ये 5 का वर्ग यानी 25 घटाएंगे तो 25 में से 25 क्या आ गया? 0। ये 0 यहां लिख दो। अब रही बात आपके वर्गमूल की, तो आप देखो यहां 7225 में जोड़े कितने बने थे? जोड़े बने थे 2। तो यहां जो लाइन आपको दिख रही इसमें पहले 2 अंक ले लेंगे, तो ये रहा 8 और ये रहा 5। तो इस तरह ये वर्गमूल हो गया आपका 85। क्लियर? इस तरह आप ऐसे और भी एक एक दो दो क्वेश्चन अपने आप भी करके देख सकते हो। अब उत्तर की जांच कैसे होगी? अगर आप 85 का गुणा 85 से ही करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 7225 मिल जाएगा। क्लियर? वैसे वर्ग ज्ञात करने की मैंने कई विधियां बताई हैं। जैसे मान लो आपको 85 का वर्ग ज्ञात करना है, चेक करना है, तो लास्ट में अगर 5 हो तो 25 तो यू का यू ही लिख लेते हैं, और 8 का गुणा अगली संख्या से कर दो, तो 8 की अगली कौन सी है? 9। तो 8 में हो गया 72। तो आप देख सकते हो 85 का वर्ग 7225 आ रहा है, इसका मतलब 7225 का वर्गमूल क्या होगा? 85। तो इस ट्रिक से आप जांच कर सकते हो। क्लियर? ये था वैदिक विधि का आपका कौन सा, द्वंद योग विधि से वर्गमूल निकालना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड ने आपको क्या दे रखा है। स्टूडेंट्स, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। क्लियर? देखते हैं आप, ये देखिए यहाँ शून्यकों का योग क्या दे रखा है? -3, और आपको गुणनफल दे रखा है स्टूडेंट्स 2। देखो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इस तरह के सभी आपको 3.2 जो एक्सरसाइज है उसमें मिलेंगे और 3.3 में मिलेंगे बुक में, है ना। तो चलो देखते हैं इसका द्विघात बहुपद का क्या फॉर्मूला है। तो ये आपका हो जाता है x² - योग (x) + गुणन = 0। ये हो गया द्विघात बहुपद। तो अब इसमें ये वैल्यू लगा देंगे, ज्यादा कुछ है नहीं। तो योग का मान कितना है? -3 × x + गुणन की जगह ये हो गया 2 = 0। ये लाइन बन गई। तो x² - अब अपन देख सकते हैं माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस, और ये 3x + 2 = 0। तो इस तरह ये आपका आ गया यहां पर द्विघात बहुपद। बात क्लियर है? ये बिल्कुल सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट चौथे चैप्टर से रिलेटेड है। चौथे चैप्टर में जैसा कि आपको पता है कि दो चर वाली रैखिक असमकाएं हटा दी गई हैं, लेकिन एक चर वाली रैखिक असमकाएं अभी भी आएंगी। कई देखिए कई वीडियो जो यूट्यूब पर है वो आपको भ्रमित करने वाले हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहें कि कई वीडियोस में मैंने देखा कि टीचर्स कह रहे हैं कि भाई 4.2 पूरी हटा दी, ये हटा दिया, वो हटा दिया। आपको थोड़ा कंफर्म रहना है। 4.2 में देखो दोनों टाइप के क्वेश्चन है, एक चर वाली रैखिक असमकाएं के भी है जैसा कि ये दे रखी है, और दो चर वाली के भी है। दो चर में इस तरह से जैसे कि मान लो x + y > 2 इस तरह ये होती है दो चर वाली असमकाएं, तो ये हटाइए न कि ये। तो एक चर वाली अभी भी हमारे कोर्स में है, और इसका प्रूफ क्या है कि बोर्ड ने जो क्वेश्चन दिया है उससे आप समझ सकते हैं कि ये अपना एज इट इज आएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पिक्चर क्या रहेगी। x > 2 का आलेखी विधि से हल ज्ञात करना है। देखो सबसे पहली स्टेप क्या होती है, जैसे ही हमको कोई रैखिक असमकाएं दी जाए तो पहले हम उसे बराबर का चिन्ह लगाकर समीकरण में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? समीकरण में। अब स्टेप टू में हमें ये देखना है कि ये रेखा कहां से जाएगी और किस बिंदु से जाएगी। तो पहली बात तो ये देखो बिंदु कौन सा आएगा। बिंदु में ए मान ले रहा हूं। अब यहां आप देख रहे हो एक्स का मान तो है 2, लेकिन वाई का मान नहीं है, तो वाई हो जाएगा 0। जिस रेखा के पास वाई नहीं होता है, इसमें वाई है नहीं है, तो अगर किसी रेखा के पास वाई नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो रेखा वाई अक्ष के समांतर जाएगी। वाई अक्ष के कैसी जाएगी? समांतर। क्लियर? ये अब स्टेप 3 देखना। इसकी स्टेप 3 में
हम ज्ञात करते हैं हल क्षेत्र को, किसको, हल क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो अभी आपने समीकरण लिया था, अब ये जो ऊपर एसम का दी हुई है, अब मैं उसको लूंगा एसम का को, क्लियर, इस तरह से ही है। अब इसमें हम एक्स का मान रख देंगे जीरो, एक्स का मान क्या रख देंगे जीरो, और ये देखेंगे क्या ये एसम का सही है या गलत है। इसमें होता क्या है कि अब ये एसम का बन गई, अब आपको ये चेक करना है कि एसम का सही है या गलत है। अगर ये सही हुई तो हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की ओर, वरना हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु के विपरीत ओर। तो आप देखो नोक हमेशा छोटे की तरफ लगती है, लेकिन यहां नोक लगी है दो की तरफ, है ना, जबकि दो बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब ये एसम का है गलत। और जो गलत एसम का होती है उसमें हमेशा ध्यान रखना कि हल क्षेत्र जो होता है वो आपका मूल बिंदु के विपरीत ओर होता है, मूल बिंदु के कैसा होता है, विपरीत ओर। अब देखना डायग्राम कैसे बनेगा वो देखना यहां पर, चलिए। तो ये तो बात हो गई सारी थ्योरेटिकल, अब मैं आपको ग्राफ बताऊंगा, नंबर ग्राफ के मिलने स्टूडेंट्स, देखते हैं कैसे। देखिए यहां पिक्चर क्या है, सबसे पहले ये आपने बना लिया कार्तीय तल, क्या कहते हैं इसको, कार्तीय तल। अब बिंदु कौन सा, 2,0। देखिए जिस बिंदु में पीछे जीरो हो वो समझ लो एक्स अक्ष पर आएगा। अब 2 का मतलब है यहां 2 सेंटीमीटर, यहां पैमाने की माप लिख लेते हैं, तो पैमाने की माप यानी स्केल मीजरमेंट, तो ये एक इकाई बराबर हम क्या मान रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो 2,0 है तो इसका मतलब ये 2 इकाई दूरी पर आ जाएगा, और इससे रेखा इस तरह वाई अक्ष के समांतर ये मैंने खींच दी, वाई अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष है आपका और ये रेखा वाई अक्ष के समांतर हो गई। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत हो रहा है, तो मूल बिंदु के विपरीत का मतलब है कि हल क्षेत्र यानी मूल बिंदु की तरफ ना आकर किधर जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, तो हल क्षेत्र आपका यानी मूल बिंदु के विपरीत हो। तो इस तरह ये आपका हो गया पूरा 2 नंबर का काम स्टूडेंट्स। तो बाकी ग्राफ भी आप इनको देख के इजीली बना सकते हो, क्लियर, इस तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड है, डायरेक्ट बुक में से ही दिया है, कोई चेंज नहीं है। इस तरीके के मानों को अपन ने बुक में देखा है कि साइन 45 का मान कहीं भी आ जाए तो 1/√2 होता है, और आपने ये भी देखा होगा कि बुक में कि कॉस 45 का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। तो इस तरह साइन 45 और कॉस 45 हो गए। अब ये मान अपने को यहाँ फिट कर देने हैं, तो साइन 45 का मान हो गया 1/√2 और यहाँ कॉस 45 का भी मान हो गया 1/√2। तो देखते हैं यहाँ क्या होगा, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और √2 का गुणा √2 से करेंगे तो ये 2, तो 2 से 2 कटेंगे तो यहाँ बचा आपका 1। तो इस तरह ये आपका आंसर आ गया, बिल्कुल आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या सीधे सीधे मान लगाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स बुक के 8वें चैप्टर ऊंचाई दूरी यानी हाइट डिस्टेंस से रिलेटेड है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक पहाड़ी का ढलान 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए चलिए ये हो गई आपकी पहाड़ी, सही है, पहाड़ी तिरछी होती है। चलो मैं इसको कोई नाम दे दे रहा हूं, जैसे मैंने नाम दे दिया ए बी। अब ये कह रहा है 36 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण हो गया भाई कितना, 60 डिग्री। अब कह रहा है शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है, तो शिखर का मतलब पहाड़ी में कोई, आप पहाड़ी में ऐसे तो चढ़ेंगे नहीं, पहाड़ी में तिरछा ही जाएंगे, तो ये आपकी जो दूरी दे रखी है वो हो गई कितनी, 500 मीटर। अब वो कह रहा पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो, ऊंचाई का मतलब ये पूछ रहा ही है, तो इसको कहते हैं h, ऊंचाई को h मान लो हाइट, इस बिंदु को चलिए c मान लेते हैं। अब आप देख सकते हो इस त्रिभुज में क्या क्या दे रखा है, आपको इस त्रिभुज में लंब दे रखा है जो कि क्या है h, आपको इसमें कर्ण दे रखा है जो कि है 500, आपको इसमें थीटा दे रखा है जो कि है
60 डिग्री। क्लियर। तो लंब और कर्ण किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन में आते हैं, तो यहां साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। मान देखना किस तरह निकलेगा, साइन थीटा का मान है 60, लंब है एच, कर्ण 500। आप सभी जानते हो साइन 60 का मान होता है √3/2 और ये एच बटे 500 आपका चल रहा है, ये वज्र गुणा कर देंगे तो 2h बराबर 500 √3 हो जाएगा। 2 से इसे काट देंगे तो ये 250 √3 मीटर हो गया। क्लियर। अगर आपसे कोई रूट में आंसर निकालने को कहे तो आपको इतना छोड़ देना है, लेकिन अगर रूट की वैल्यू निकालने को कहे तो आप √3 का मान 1.732 लगा के इस रूट को भी खत्म कर सकते हैं। क्लियर। ये हो गया आपका 16। अब चलते हैं 17 की तरफ। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से रिलेटेड है, देखते हैं। वृत्त का क्वेश्चन है, इसमें आपको एक डायग्राम दिया है, OA दिया है 5, ये देखिए OA दे दिया 5, AB दे दिया 8, तो AB दे दिया यहां से यहां तक 8। अब आप जानते हो हमेशा ध्यान रखना कि जो मध्य जो केंद्र से डाला गया लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ये रूल हमेशा ध्यान रखना। तो आप देख रहे हो कि अगर ए बी 8 है तो अगर मैं ए सी पूछूं तो ये हो जाएगी ए बी की आधी, तो ए बी कितनी है आपकी 8, तो 8 की आधी यानी ए सी कितनी हो गई 4, ये हो गई आपकी 4। क्लियर। अब आप जानते हो कि जो केंद्र से लंब डाला जाता है, लंब का मतलब यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ओ ए सी एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण। अब इस समकोण त्रिभुज में चल के मैं क्या करूंगा, ये ओ सी का मान ज्ञात कर लूंगा। ओ सी इस त्रिभुज में किसका काम कर रहा है, लंब का। तो लंब का जो सूत्र होता है स्टूडेंट ये होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कर्ण कितना है यहां 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और आधार कितना है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 25 में से 16 घटेंगे तो ये हो गया 9 और 9 का वर्गमूल हो गया 3। ये किसकी वैल्यू निकली है, ओ से लेके सी तक की निकली है, कितनी 3 ओ सी। अब एक बात ये सोचो कि इसमें पूछा क्या है सी डी। अब एक बात ये देखना कि जैसे ओ से ये ए तक की दूरी कितनी है 5, तो केंद्र से परिधि के हर बिंदु की दूरी समान होती है, तो ओ से डी तक की दूरी भी कितनी होगी, ये भी क्या होगी 5। अब आपको पूछी कौन सी है सी डी, तो आप ये देखो अभी आपने ओ सी कितनी निकाल ली, ओ से सी तक ये आपने निकाल ली यहां से यहां तक 3, तो आपको पूछी क्या है सी डी। तो सी डी के लिए बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस पूरे 5 में से अपन ये वाली 3 घटा देंगे तो ये आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर। ये पूरी पिक्चर हो गई आपकी, तो ये मान किसका हो गया सी डी का। चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 18। एक 10 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका 2:3 में आंतरिक विभाजन करना है। क्लियर। इस तरह से देखते हैं कैसे, इस तरीके का एक क्वेश्चन स्टूडेंट से जरूर आता है, 14.1 जो प्रश्नावली अपनी बुक में उसका है, और ऐसे काफी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि मान लो ये 10 सेमी का रेखाखंड है। अब देखना ये नापेंगे कैसे अपन, ये आपका हो गया 10 सेमी का रेखाखंड, इसको मैंने नाम दे दिया ए बी। क्लियर। इस तरह से देखिए यहां जो जो भी अपन करेंगे वहां एक रचना के पद होते हैं, रचना के पद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, वो आप यहां पर लिखते जाते हैं पॉइंट बना बना के, है ना। इस तरह से तो जो मेन तो डायग्राम होता है, देखो इसमें डायग्राम के नंबर होते हैं, फिर भी डायग्राम में जो जो चीजें करनी है वो इधर लिखनी भी होती है। क्लियर। जैसे मान लो ये भी आपने 10 सेमी का खींचा, तो यहाँ क्या लिखना है रचना के पद में कि सर्वप्रथम हमने ये भी एक रेखाखंड 10 सेमी का खींचा, इस तरह से। चलिए ठीक है,
अब यहाँ करते क्या है, ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। न्यून कोण कैसे बनता है, मतलब 60 डिग्री 30 डिग्री ऐसा कोई कोण। तो इसको बनाते कैसे देखो, पटरी प्रकार से, जैसे प्रकार आप यहाँ रखोगे तो इस तरह से एक चाप यू लगाओगे आप इस तरह यू, और फिर यहां से काट दोगे इस तरह। तो ये आपका हो गया न्यून कोण, ये न्यून कोण बनाती हुई एक लाइन हो गई। अब आप ये देखो कि आपने ये कोण जो नापा था इसमें 2:3 का मतलब है 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 भाग करने ऐसे ही, जैसे एक तो ये हो गया, एक यहां से दूसरा हो जाएगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे ही आपका पांचवा। ये कितने भाग हो गए टोटल, 5। क्लियर। अब थोड़ा दिमाग लगाना, थोड़ा ध्यान से देखो करना क्या है। ये जो पांचवा भाग है इसको मिला देते हैं किससे, बी से। इसको किससे मिला दिया आपने, बी से। क्लियर। अब करना ये है स्टूडेंट्स कि जो यहां मैंने ये भाग मिलाया है, चलो मैं इसको नाम दे दे रहा हूं, इसको नाम दे दे रहा हूं A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और इसको A5। ठीक है ना, इस तरह से। अब करना क्या है, देखिए करना ये है कि जैसे A2 है, अब आप देखो A2 है, तो ये लाइन जो आपने इस तरह चाप काटा था, A2 से आपको करना यह है कि इस तरह से ये चाप यू घुमाना है यहां पर इस तरह। और अब देखो, अब करना यह है कि A5 से A4 का ये आपको दिख रहा है कि यहां से यहां तक की इसके मतलब समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर कैसे खींचते हैं, यहां से यहां तक ये चाप लगाओ पहले ये, और फिर इतना हमको नाप लेना है, इतना। ये ध्यान रहे, ये सब दूरी तो वही चल रही जो पहले थी, लेकिन यहां से जब मैं नापूंगा तो ये दूरी अलग हो जाएगी। ये इस तरह से ही है, यहां पर ये बिंदु मैंने मान लिया, मान लो B1। तो A4 से ये B1 का नाप है, ये नाप लगा के हम यहां ले जाएंगे और इस तरह यहां काट देंगे, और ये लाइन A2 से मिलाती हुई खींच देंगे। ये जो A2 लाइन है इसको चलो मैं मान ले रहा हूं B2। ये जो A2 B2 है ये समांतर होगी इस लाइन के। तो इस तरह से एक भाग तो ये हो गया और एक भाग ये हो गया। तो ये जो भाग है B2, ये इस पूरी रेखा का विभाजन किस में कर रहा है, 2:3 में। बाद में हम इसको नाप के लिख सकते हैं, A से B2 को नाप लेंगे और B2 से B को नाप लेंगे। क्लियर। देखो मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले मैंने AB रेखाखंड खींचा 10 सेमी का, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि न्यून कोण बनाती हुई, न्यून कोण कैसे बनाया, ये देखिए ये खींचा और यहां से ये न्यून कोण बनाती हुई ये लाइन खींच दी। अब इसके मैंने 5 भाग कर दिए, कैसे, जैसे यहां से चाप लगाया A1, फिर A2, A3, A4, A5, इस तरह 5 हो गए। क्लियर। फिर पांचवा जो भाग है उससे मैंने मिला दिया इस बी को, ये बी को, इसके समांतर अब रेखा A2 से खींचनी है। वो कैसे खींचते हैं देखो, जैसे एक चाप तो यहां से ये लगाया, फिर उसी नाप का ये चाप ये लगाया। अब यहां से करना ये है कि A4 से B1 की दूरी नाप के प्रकार में भर लेनी है, और वो प्रकार में भरी हुई दूरी यहां लानी है, और A1 से यू कट मारना, यू कटिए, और ये जो डिस्टेंस है ये मिलाती हुई खींच देनी है। तो 2:3 हो गया। जब आप इसे नापोगे तो ये रेखा होगी 4 सेमी की और ये होगी 6 सेमी की। अगर आपकी यहां से यहां तक 4 आ जाती है और ये 6 आ जाती है तो ये समझ लो उत्तर की जांच हो गई। ये क्या हो गई, आपकी आंसर की जांच हो गई। इससे आप आंसर इजीली चेक कर सकते हैं। क्लियर। ये तो ये हो गया रेखा खंड का अंतः विभाजन या आंतरिक विभाजन, इंटीरियर डिविजन। अब चलते हैं इसी वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, यानी सेक्शन बी के 19वें प्रश्न पर। तो चलते हैं सेक्शन बी के लास्ट क्वेश्चन पर। यह कह रहा है एक सीधे व 12 मीटर ऊंचे पोल के शीर्ष पर। देखिए ये कोई हो गया आपका 12 मीटर ऊंचा पोल, कुछ भी नाम दे देते हैं इसको, जैसे मैंने दे दिया AB। ठीक है। ये कह रहा है एक CCTV कैमरा लगाना है, या CCTV कैमरा कहां पर लगाना है, इस A बिंदु पर लगाना है। ठीक है। ताकि पोल के शीर्ष से, शीर्ष का मतलब यही ऊपर A से, 13 मीटर दूर दृष्टि रेखा के आगे का यातायात देखा जा सके। अब ये दृष्टि रेखा क्या होती है कि कैमरे की नजर जहां तक जाए, जैसे ये कैमरे की नजर जा रही तो ये होगी दृष्टि रेखा, ये बिंदु मैंने मान लिया C। अब कह रहा है कि इस स्थिति में पोल के पाथ से वह दूरी
पोल के पाद का मतलब होता है, ये पोल है इसका आधार, ये पोल का आधार, वह दूरी जिसके आगे से यातायात दिखाई देता है ज्ञात करो। देखिए मतलब कहने का यह है कि यहां से ये सीधी दूरी पूछी है, ये दूरी पूछी है, ये दूरी, क्लियर। इसको अपन मान ले रहे हैं x। तो अब जैसा कि तुम देख रहे हो कि ये बन गया समकोण त्रिभुज, क्या बन गया ये समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में तीन चीज दिखाई दे रही है अपने को, एक तो कर्ण दिखाई दे रहा है वो है 13 सेंटीमीटर या 13 मीटर जो भी है, और लंब दिखाई दे रहा है जो कि अपना है 12 मीटर, और एक आधार भी दिखाई दे रहा है जो है अपना x, ठीक है। लंब, कर्ण और आधार हो गया। अब यह मान किसका निकालना है, आधार यानी x का निकालना है। तो आधार का सूत्र अपन जानते ही हैं कि अंडर रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हो रहा है। तो आधार है कितना, आधार है x बराबर अंडर रूट, कर्ण कितना है, कर्ण है 13, 13 का वर्ग हो जाएगा 169, लंब कितना है 12, 12 का वर्ग हो गया आपका 144, और 169 में से 144 गया 25, और 25 का वर्गमूल 5 मीटर। तो ये जो दूरी है वो आपकी कितनी मीटर आ गई, 5 मीटर। तो ये था क्वेश्चन सड़क सुरक्षा का, जो कि 4 नंबर का चैप्टर है। तो 2 नंबर का तो यही आ गया, और मैंने आपको इसी वीडियो के सेक्शन ए में बताया था कि सेक्शन ए में भी इसके 2 क्वेश्चन आए थे, जिनकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वो वीडियो आप देख लेना। तो वो क्या है, उसमें एक तो पीयूसी की फुल फॉर्म पूछी थी, और एक रोक दृष्टि दूरी का सूत्र पूछा था। तो रोक दृष्टि दूरी का सूत्र मैंने क्या बताया था, प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी बराबर रोक दृष्टि दूरी, और एक पूछी थी पीयूसीसी की फुल फॉर्म, तो वो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और 2 नंबर का ये हो गया। तो इस तरह से सड़क सुरक्षा के कितने नंबर हो गए अपने, 4, क्लियर। आगे आने वाले वीडियो में अपन इसी वीडियो के यानी पार्ट 4 में अपन बात करेंगे यहाँ पर सेक्शन सी की। सेक्शन सी में आपके क्वेश्चन आएंगे 20, 21, 22, 23, लेकिन वो हर क्वेश्चन 4-4 नंबर का होगा, यानी थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होंगे, और उसमें अथवा भी आएगा। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आप सभी चैनल पर कंटिन्यू बने रहें, और आगे ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।